जो भी प्यार से डरा हाँ प्रशांत, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। क्या यार, अब तुझे घर पर नहीं रहना था तो मुझे क्यों घर पे बुलाया? संडे को मैं भी अपने घर में आराम कर लेता भाई। नो नो यार, दिस इज नॉट फेयर। अरे अरे, मेरे भी कई अर्जेंट काम होते हैं, संडे एक ही छुट्टी मिलती है मुझे। पिछली बार भी तूने यही किया था। अब वो छोड़, अब बता तू वापस कब तक पहुंचेगा? 2 घंटे? 2 घंटे मैं क्यों कॉफी शॉप में तेरा वेट करूं भाई? अरे नहीं नहीं, मैं कहीं वेट नहीं, प्लान तूने चेंज किया यार। मैं कहीं वेट नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे घर पे जा रहा हूं लंच के लिए। सुनीता भाभी है ना घर में? अबे साले, तेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ तो मुझे क्यों बाहर वेट करने के लिए बोल रहा था? मैं घर पहुंच रहा हूं, तू भी आ जा। साला मुझ पे शक करता है। नमस्ते सुनीता भाभी। ओ राकेश, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक। भाभी आपके पतिदेव भी अजीब हैं। मुझे यहाँ घर पे बुलाया और खुद कहीं बाहर चला गया। तुम तो उन्हें जानते हो राकेश, वो बस ऐसे ही हैं। उनके सारे प्लान अचानक से ही बनते हैं। लेकिन सुबह उन्हें किसी से फोन पे बात करते सुना था, कुछ अर्जेंट काम आया, चर्च गेट गए शायद। पानी? हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ बता रहा था कि टाउन में कुछ काम है। कमाल है भाभी, उसने आपको बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, ये बताया था कि तुम आ रहे हो, लेकिन वो नहीं रहेंगे ये नहीं बताया था। प्रशांत का काम कैसा चल रहा है? सुना है जॉब छूटने के बाद कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर का नया बिजनेस शुरू किया है। हाँ किया तो है, पर कुछ खास नहीं चल रहा। 7-8 महीने हो गए, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। कितनी बार कहा है कि कोई दूसरा जॉब देख लो, लेकिन नहीं, मेरी सुनते ही कहा है वो। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं प्रशांत से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ कि कुछ और देख ले। खैर वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? अब तो तुम्हारी काफी उम्र भी हो गई है। अरे भाभी, आप जैसी सुंदर और सुशील कन्या मिल जाए तो अभी शादी कर लूं, कोई है आपकी नजर में? सुंदर और सुशील? क्या हो भाभी? ये सब कहने की बातें हैं राकेश, शादी के बाद सब खत्म हो जाता है। आप ऐसा क्यों कह रही है भाभी? प्रशांत आपका ध्यान तो रखता है ना? मुझे पूरा यकीन है वो आपसे बहुत प्यार करता है, दिल का बुरा नहीं है वो। छोड़ो ये सब, उन्हें आने में टाइम लगेगा, तुम चल के लंच कर लो। भाभी आप भी साथ खाना खाती तो बहुत अच्छा लगता। नहीं राकेश, तुम खाओ, मेरा भी मूड नहीं है खाने का। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। क्या? आप दोनों की शादी को इतने साल हो गए, लेकिन कोई गुड न्यूज़? आई मीन
आप दोनों बच्चे के बारे में प्रशांत से तो कई बार सवाल किया मैंने, फिर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। कैसे जवाब देते हैं? बच्चे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं, और प्रशांत जिम्मेदारी लेना ही कहां चाहते हैं? प्रशांत आपको पसंद तो करता है ना भाभी? नहीं, मेरा मतलब है जब भी हम सारे दोस्त मिलते हैं तो प्रशांत तो आपकी बड़ी तारीफें करता है, हम सबको लगता है कि वो आपका दीवाना है। इनफैक्ट सारे दोस्त उससे जलते हैं और यही कहते रहते हैं कि वाइफ हो तो आप जैसी। हाँ, प्रशांत मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो ज्यादातर अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। मेरे साथ होने के बाद भी वो मेरे साथ नहीं होते, मुझे हमेशा इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो मेरे ही साथ है, लेकिन मैं जानती हूं कि हमेशा वो कुछ सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, कुछ बहुत ही अजीब सा। बहुत ही अजीब सा मतलब? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पहले पहले मुझे लगता था कि प्रशांत ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे वो रोज होने लगा। घर में खाली बैठे बैठे उनके दिमाग में गंदी गंदी बातें आने लगी, और वो चाहते थे कि मैं उनकी बेहुदा बातों पे अमल करूं। शुरुआत में मैंने काफी मना किया, पर हर बार वो मुझे समझा लेते थे, और फिर मेरी चुप्पी हमारी रोज की आदत बन गई। भाभी, मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप कहना क्या चाहती है? वो क्या करवाता है आपसे? तुम नहीं समझ पाओगे, रहने दो। एक मिनट, किसी दूसरी औरत का मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों की सेक्स लाइफ? राकेश, इंसान को रोज रोज एक ही चीज पसंद नहीं आती है, और अगर मामला औरत का हो तो फिर एक पत्नी के लिए एक सबसे बुरी बात क्या हो सकती है? कि उसका पति उसे छुए तक नहीं। शादी के कुछ सालों के बाद तक हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल सही था, दिन हो या रात हो, प्रशांत कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ते थे, एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होते थे, और अब वो मुझसे बोर हो गए। कहते हैं कि वो मुझे प्यार तो करते हैं, लेकिन मेरे साथ सेक्स। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी और की बीवी होती तो मैं उन्हें ज्यादा अच्छी लगती, किसी गैर मर्द की तरह वो मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कर सकते हैं, पर अपनी खुद की बीवी के रूप में मुझे छू तक नहीं सकते। मुझे याद तक नहीं कि प्रशांत ने मुझे अपनी बीवी समझ के आखिरी बार कब छुआ था। अब तो मुझे शक होता है कि शादी के बाद वो जब मुझे छूते भी थे तो अपनी बीवी समझ के छूते थे या फिर किसी और की। Huh.
ये सब कब तक चलता रहेगा प्रशांत? क्या सब? For God's sake, सुनीता, फिर वो सब लेकर शुरू मत हो जाओ यार। हम पहले भी कई बार इन सब बातों पे बात कर चुके हैं। उनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, कुछ बहुत ही अजीब सा। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन सब हरकतों से। अब तुझे घर पर नहीं रहना था तो मुझे क्यों घर पे बुलाया? राकेश, तू कॉफी शॉप में बैठकर मेरा वेट कर, मैं दो घंटे में आता हूँ। मुझे लगता है एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। प्लान तूने चेंज किया यार। मैं कहीं वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे घर पे जा रहा हूँ लंच के लिए। सुनीता भाभी है ना घर में? हाँ, सुनीता घर पर है। मैं उसे फोन करके बता देता हूँ कि तू लंच पर आ रहा है। भाभी, आपके पतिदेव भी अजीब है। मुझे यहाँ घर पे बुलाया और खुद कहीं बाहर चला गया। अरे भाभी, आप जैसी सुंदर और सुशील कन्या मिल जाए तो अभी शादी कर लूँ। कभी तुम राकेश बनकर आते हो, कभी सुनील बनकर आते हो, कभी ये बन के आते हो, कभी वो बन के आते हो। नमस्ते सुनीता भाभी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रशांत, कि रोज तुम अपनी बीवी को अलग अलग किरदार बन के भोगते हो। किसी गैर मर्द की तरह वो मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कर सकते हैं, और अपनी खुद की बीवी के रूप में मुझे छू तक नहीं सकते। भाभी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो क्या करवाता है आपसे? तुम नहीं समझ पाओगे, रहने दो। प्लीज सुनीता, स्टॉप इट। हम कब तक वही बातें करते रहेंगे? प्रशांत, तुम खुद भी भूल चुके होगे कि तुम असल में हो कौन। सुनीता प्लीज, अब इस सब की आदत डाल लो। क्या इतना काफी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? प्रशांत आपका ध्यान तो रखता है ना, मुझे पूरा यकीन है वो आपसे बहुत प्यार करता है, दिल का बुरा नहीं है वो। और फिर मेरी चुप्पी हमारी रोज की आदत बन गई।